दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। विस्तार भारत में आपका स्वागत है। बुलडोजर को लेकर जिस तरीके से कोर्ट ने संज्ञान लिया है और एक आदेश फरमान भी जारी कर दिया है कि कोई भी काम करने से पहले आप एक आदेश जारी करिए, एक नोटिस जारी करिए, क्योंकि जो घर होता है बहुत मेहनत से, जो घर का जो आंगन होता है, तमाम तरह की बातें का हवाला भी दी कोर्ट ने दिया है। और बनारस के लोग हैं और हम जानना चाहते हैं कि बुलडोजर को लेकर इनकी क्या राय है, बुलडोजर को लेकर क्या कहेंगे जिस तरीके से कोर्ट ने जो बातें कही है। देखिए, पहली बात तो जो है, हम सभी लोग जो है सनातनी हैं और अच्छे हैं, लेकिन यहाँ भी जो है हमारे जो सनातन धर्म के वो झंडा बुलंद किए हैं हमारे प्रदेश के मुखिया और आदरणीय श्री माननीय योगी जी, और योगी जी ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहे थे। ये बुलडोजर उसके ऊपर चलाया जाता था जो गलत काम करता था, अपराधी थे, गलत तरीके से उन्होंने लोगों को परेशान करते थे, उनके घर के ऊपर चलाना ये नितांत आवश्यक एवं अच्छा कार्य था। लेकिन हमारे देश के ही दो मुखियाओं ने मिलकर के हमारे प्रदेश के मुखिया के खिलाफ ये सब जो है साजिशन जो है कोर्ट के द्वारा ये सब कराया जा रहा है, और हमारे प्रदेश में किसी एक को और उभारने के लिए, इनको डाउन करने के लिए ये किया जा रहा है कि ताकि ये नंबर वन देश के हमारे मुखिया ना बन जाए, ये इनको जो है डर था, इसलिए इन्होंने जो है इनके ऊपर कोर्ट के द्वारा एक्शन लिया। और एक भी वक्तव्य नहीं आया कि ये जो है कोर्ट को अगर चाहें तो, आज के डेट में कोर्ट कौन है, हमारे जो है जज हैं, और जज को जो है हमारे जो है दो मुखियाओं, मुखिया हम इसलिए कह रहे हैं कि आप अपने आप समझ सकते हैं, दो मुखिया इन्होंने चाहे तो तुरंत ये सब वक्त पर आता ही नहीं। दो मुखिया का जिक्र नाम बता दीजिए, बहुत लोग सस्पेंस में बने रहेंगे ना, स्पष्ट कर दीजिए। हमारे अर्थी भाषा जो होता है बहुत खतरनाक होता है। नहीं, आप दो मुखिया समझ लीजिए, इसलिए कि देखिए हम लोग भी जो है सनातन। अच्छा, योगी मोदी जी को कह रहे हैं क्या? नहीं नहीं, योगी तो हमारे प्रदेश के मुखिया है ही है। राहुल गांधी अखिलेश को? राहुल गांधी अखिलेश की तो जो कोई वक्त ही नहीं है। हाँ हाँ, बस अभी आ रहे हैं आपके पास। हाँ बता दीजिए। राहुल गांधी अखिलेश जी की तो कोई वक्त ही नहीं है कि ये कुछ कर सके। अच्छा ये बताइए कि सरकार से बड़ा कोर्ट है ना, तो कोर्ट का तो अवहेलना आपको नहीं करना चाहिए, आपको तो स्वीकार करना नहीं चाहिए। अभी जो है सरकार से बड़ा कोर्ट, आप लोग अपनी बात, लेकिन जो है कोर्ट यहाँ पे सरकार से बड़ी नहीं है, ठीक है, ये आप समझ लीजिए और अच्छी तरीके से समझ लीजिए, कोर्ट सरकार से बड़ी नहीं है। कोर्ट लगातार ये कह रहा है कि बुलडोजर के आँख कान नाक नहीं होते। नहीं नहीं, आँख कान नाक जो है उसको हम देते हैं, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, आँख कान नाक जो है ड्राइवर होता है, उसी तरीके से जो है सरकार में आँख कान नाक जो है अधिकारी और प्लस जो है हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी हैं, ये बहुत सही काम करते थे। और इनको खाली सिर्फ प्रदेश में जो डाउन करने के लिए जो ये सब काम किया जा रहा है, ये हमारे जो देश के लिए, प्रदेश के लिए, अब भाजपा के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, भाजपा के लिए नुकसान है, ठीक है। ये बताइए कि बुलडोजर को लेकर जिस तरीके से कोर्ट ने संज्ञान लिया है, अपनी बातें कही, क्या कहेंगे इसके लिए आप? देखिए, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, उस संबंध में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। जो भी निर्णय है बिल्कुल सही है, मानना चाहिए हर एक आदमी को, लेकिन न्याय की प्रक्रिया यहाँ पे इतनी धीमी है, इतनी शिथिल है, इतना समय लग जाता है कि ये जो आदरणीय योगी जी कर रहे थे कि तुरंत अपना निर्णय करके अपना गिरा देना, ये उनकी मजबूरी थी। वैसे तो कानून मतलब हिंदुस्तान में जब से आज़ाद हुआ तब से चल ही रहा है, लेकिन प्रक्रिया इतनी है कि दादा मुकदमा करता है तो पोते तक फैसला नहीं आता, तो फिर अपना इसको देखते हुए आदरणीय योगी जी ने ये निर्णय लिया था और अपराधियों पर पूरी तरह से लगाम लगा दिया था। अब थोड़ी दिक्कत आएगी, थोड़ी दिक्कत आएगी। बुलडोजर को लेकर क्या कहेंगे? लेकिन बुलडोजर को लेकर नो कमेंट। एक बात बता दीजिए, आप एक बातें बता रहे थे कि जिस तरीके से अखिलेश यादव को लेकर लगातार। नहीं नहीं, कोई कमेंट नहीं। हाँ कुछ तो बता दीजिए कोर्ट को लेकर। ठीक है, नहीं बताएंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से बुलडोजर को लेकर आए ये बातें, क्या कहेंगे इसके लिए? नहीं, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय लिया है वो अपने संज्ञान से कुछ जान समझ के ही लिया होगा, मगर ये है कि अपराध पर नियंत्रण, इस वजह से अपराध पर काफ़ी नियंत्रण था उत्तर प्रदेश में, और योगी जी ने कोई गलत कदम नहीं उठाया था,
और वो भी उनकी संपत्ति तोड़ी गई जो अवैध रूप से निर्मित थी। अपराधी तो थे ही, मतलब उनकी भी संपत्ति अवैध जो थी उसको तोड़ा गया है, न कि जानबूझकर कोई खुराफात किया गया। इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, सर्वोच्च न्यायालय का आप ये नहीं लगता है कि बेटा गलती करे और बाप को सजा भुगतना पड़े? ये नहीं, बेटा गलती करे, अगर हमारे परिवार में अगर एक गलती कर रहा है तो उस पर हम नियंत्रण करेंगे, हम करेंगे ना। अगर हम नहीं कर सकते वो पिता का बनाया हुआ मकान अगर गिराया जाता है बेटे की वजह से, तो आपको नहीं लगता कि गलत सरकार कर रही? अगर बेटा अपराध करके फरार होता है तो पिता भी गिरफ्तार किया जाता है, ऐसा नहीं है? पिता नहीं गिरफ्तार किया जाता है, उसको गिरफ्तारी के लिए पिता गिरफ्तार, पूरा परिवार गिरफ्तार किया जाता है। ये तो कानून अपना काम करेगा। क्या मानते हैं बुलडोजर को लेकर, क्या कहेंगे आप? बुलडोजर का जो कार्यक्रम था योगी जी का, बहुत सही कार्यक्रम था। ऐसे अपराध पे काफ़ी कुछ अंकुश लगा हुआ था और इससे अब थोड़ा अपराधी पे कभी अंकुश नहीं लगा। वो सुप्रीम कोर्ट माने, सुप्रीम कोर्ट अपराधी पे अंकुश कभी नहीं लगाया कि अपराधी को कैसे रहना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए। और किसी का इन लीगल मकान बना हुआ है और अवैध तरीके से पैसा कमाया हुआ है, अवैध तरीके से मकान बना है, उसको गिराना कोई अपराध नहीं है। और जहाँ तक पिताजी की बात आती है तो पिताजी अगर उस पैसे का उपयोग करते हैं तो वो भी गलत है। जब पिताजी का नहीं गिराया जाता, अगर पिताजी उस पैसे का उपयोग नहीं करते हैं, तो ये सरासर माननीय उच्च सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है इसके हम खिलाफ है, इसको स्वीकार नहीं किया जाता। और योगी जी जो भी कर रहे थे बहुत अच्छा कर रहे थे, और अगर कोर्ट के द्वारा प्रक्रिया से होगा तो कभी ज़िंदगी में कोई केस आज तक सॉल्व हुआ ही नहीं है। बिल्कुल, कोर्ट ने जिस तरीके से बुलडोजर को लेकर आदेश दिया, क्या कहेंगे इसके लिए? सुप्रीम कोर्ट को अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि जो न्याय व्यवस्था को लेकर के बैठा है और न्याय नहीं दे पा रहा है, उसका हाथ बुलडोजर है। अब बुलडोजर से शांति है, सीधी सी बात है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप में ने देखे कि हम इतने वर्षों से बड़े सर्वोच्च न्याय संस्था हैं और जनता को न्याय नहीं दे पा रहे, जनता आखिर नाराज है, बस सीधी सी बात है। बुलडोजर एक्शन से खुश है जनता, जनता खुश है, लेकिन विपक्ष तो कर रहा है, कुछ ही लोग खुश हैं, जो भाजपा को मानने वाले वही लोग खुश हैं। विपक्ष में कोई भी बैठेगा उसका काम है बस खाली विरोध करना है। अच्छा काम हो रहा है बुलडोजर से। बुलडोजर से अगर किसी का मकान गिर रहा है तो ये अच्छा काम है? आज जो बुलडोजर से किसी का मकान गिर रहा है तो किस वजह से गिर रहा है आप ये देखिए वजह की, मतलब सरकार को शौक लगा है कि एक अच्छा आदमी बहुत बढ़िया काम कर रहा है उसका मकान गिरा दो, ऐसा किसी ऐसा कोई मकान गिरा है बताइए? क्या कहेंगे भाई बुलडोजर को लेकर? बुलडोजर का निर्णय बहुत सही था, कोर्ट ने भले जो निर्णय दिया लेकिन योगी जी ने जो काम किया ठीक। उग्रवादी क्या, अगर उनको डर नहीं रहेगा कि हमारे पीछे हमारा मकान गिराएगा, हमारे परिवार परेशान होंगे, नहीं तो वो उग्रवाद करते रहेंगे, बदमाशी करते रहेंगे और अंदर बाहर जाते रहेंगे, बेल पे वो छूट जाते हैं। अब उनको ये डर है कि मेरे पीछे मेरा परिवार भी परेशान होगा तो उस कारण वो बदमाशी नहीं करेंगे। और बुलडोजर का एक्शन तो होते रहना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। तो बुलडोजर को लेकर बनारस के लोगों ने बहुत सारी बातें बताई है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए विस्तार भारत के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।